हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग वापस से कहीं जा रहे हैं। ये देखिए, तैयार हो चुके हैं सब लोग। ये देखो बैग हमारे, और ये देखो बैग, सब तैयार हैं। कनप भी तैयार है, कनप बाहर है। तो बस अब हम लोग 7 बजे में 10 मिनट है शाम के, और हम लोग बस निकलने वाले हैं। 9 बजे की हमारी ट्रेन है, और तो बने रही हमारे साथ में। और देखिए अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं अपने रेलवे स्टेशन के लिए। घर से हम लोग निकले थे 7:30 के आसपास, क्योंकि 9 बजे की हमारी वहाँ से ट्रेन थी। तो इसलिए हम लोगों को 1 घंटे के आसपास हो जाता है रास्ते में। और ये हम लोग गए थे आमेर वाले रास्ते से। देखिए जलमहल भी पड़ा है, और ये देखिए कितने ऊँट यहाँ पे खड़े हुए हैं। और ट्रेन की लाइटिंग हो रखी थी बिल्कुल चौपाटी टाइप। और यहाँ पे देखिए, आपको पीछे दिख रहा होगा जलमहल, और आगे इस तरह से नाइट मार्केट लगता है। तो इसके और उसके ही इस तरह से टेंट तंबू वगैरह गड़े हुए हैं। और सैटरडे संडे लगती है ये मार्केट, कभी आप लोगों को इसका टूर करवाएंगे। और बराबर की लाइटिंग हो रखी है, बस यहाँ से निकलते हुए हम लोग सही टाइम से पहुँच गए। 9 बजे की ट्रेन थी, हम लोग आधा पौन घंटा पहले ही पहुंच गए थे। और यहीं से बन के चलती है ये वाली ट्रेन गोमती नगर। और ये देखिए कितना बड़ा स्टेशन है, कितना एरिया में फैला हुआ है। और हम लोग सही टाइम से पहुंच गए थे। ये रही मैं, और ये रही कनव, एकदम बिल्कुल ढकी हुई और अपना सर्दी का बचाव करते हुए। पर इतनी ज़्यादा सर्दी थी नहीं। और ये ट्रेन में हमने थोड़ी सी ले ली थी फुटेज, क्योंकि लाइट वाइट तो ऐसे बंद हो गई थी। रात का टाइम था तो सब सो रहे थे। और उसके बाद में हम लोग सुबह अच्छे टाइम, मतलब सही टाइम से पहुंच गए थे फरुखाबाद। 6:45 हमारी ट्रेन ने यहाँ पे उतार दिया था बिल्कुल फिक्स टाइम पे। और देखिए अंधेरा ही हो रहा था, उजाला भी नहीं हुआ था, घर पे पहुंचने के बाद में ही उजाला हुआ था। बस सही टाइम से उतर गए थे हम। और अपने शहर में जाके एक अलग ही खुशी और अच्छा सुकून मिलता है। और यहाँ पे देखिए, ये हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा था। हवा बहुत तेज चल रही थी, ठंडी थी, सुबह बहुत ठंड थी। और देखिए घर पहुँचने के बाद में राशि और कनब आपस में खेल रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे थे खूब। हम लोग चाय नाश्ता हो गया था, अब से यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बैठे बातें करी और फिर आराम करा। और कनब हमारे पास ऊपर सोफे पर बैठ गई थी, राशि नीचे थी, आपस में बहुत लड़ाई कर रही थी दोनों के दोनों। ढूंढो ए ए ए ए ए रचो 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 ए डुम। अच्छा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अच्छा 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 यहाँ पे हम लोगों ने किया दही और जलेबी का नाश्ता। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं छत पे, और जलेबी दही का कर लिया है नाश्ता। और हम लोग जा रहे हैं छत पे घूमने के लिए। आपको दिखाते हैं अपने घर की छत। कैसे कर रखा है काला काला आके? गार्डन नहीं, मौसम देखो। ये तो सामने कौन है, हमें दिखाना पड़ रहा है। रिक्शो बुला रही है, हमें दिखाए कम पत्ते। और फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ मंदिर हमारे यहाँ का, और तिरंगा किस किस के यहाँ लगा हुआ है। ये देखिए हमारे घर के जस्ट सामने गांव का मंदिर। और हम लोग क्यों आए हैं वो आप लोगों को पता चलेगा, यूपी क्यों घूमने आए। ये देखिए पतझड़ का हो रहा है मौसम, नीम के पत्ते सारे गिर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऊपर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और हमको बहुत ज़्यादा लग रही थी सर्दी। और इसी के साथ यहाँ की व्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं, और मिलते हैं एक और नए बढ़िया से व्लॉग के साथ में। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।